नवरंग लिटरेरी सोसाइटी लुधियाना की तरफ से वाइली मेमोरियल स्कूल में शुचि भवी, जो भिलाई छत्तीसगढ़ से पधारी है, कि दो पुस्तकों ख्वाबों की खुशबू, काव्य संग्रह और सबसे अच्छा काल, बाल दोहा शतक का भव्य विमोचन हुआ, जिसकी सदारत मैडम गुरशरण कौर कोचर, प्रेसिडेंट अवार्ड विनर, रिटायर्ड प्रिंसिपल गवर्नमेंट स्कूल के द्वारा की गई। बहुत ही प्यारी सी महफिल में मुझे आप लोगों ने जगह दी, बहुत शुक्रिया। सागर सियालकोटी जी के माध्यम से आज मैं यहाँ हूँ आपके बीच, तो उनके लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के। उन्होंने जैसा कहा कि मेरी जहनी इच्छा रही कि मेरी जब पहली किताब आए तो मेरे माता पिता उस वक्त मौजूद हों। मुझे आज उनकी मौजूदगी से बड़ी खुशी का अनुभव हुआ। मेरी पहली पुस्तक बाहों में आकाश, उससे पहले ओम दोहा चालीसा, एक छोटी पुस्तिका जिसमें 40 दोहे रहे, वो पिछले वर्ष आई थी। ये मेरी तीसरी कृति बाल दोहा शतक, सबसे अच्छा काल, और चौथी कृति ख्वाबों की खुशबू है। इसे ख्वाबों की खुशबू नाम इसलिए भी दिया कि मेरे माता पिता की इच्छा रही, उनके ख्वाब हैं इसमें, और भी कई लोगों के ख्वाब हैं, मेरे गुरुओं के ख्वाब जुड़े हैं। मेरे गुरु डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, सागर जी, इन दोनों की मेहनत का परिणाम मैं हूँ और ये किताबें हैं। क्या बात, क्या बात। जहाँ तक साहित्य की बात की जाए तो कलम तो बहुत बचपन में उठा ली थी मैंने, जब मेरे पिताजी ने कहा था कि जब मैं ऑफिस जाता हूँ तो जो भी भाव आए तुम्हारे मन में उन्हें लिख दिया करो। वहाँ से शुरुआत हुई लिखने की, कभी डायरी, कभी दो लाइन, कभी चार लाइन, और मैं अतुकांत लिखती ही गई, लिखती ही गई। कितनी कविताएं हुई नहीं जानती, कितनी बची, कितनी फिकी वो भी नहीं जानती, क्योंकि बच्ची थी उस वक्त। जब समझ आई कि साहित्य क्या होता है, तब तक विज्ञान लेके पढ़ना शुरू कर दिया था। बस किताबें पढ़ने की आदत पिताजी ने लगा दी थी, पढ़ती गई। और इसी पढ़ने की लगन में मेरी एक मित्र ने फेसबुक से जोड़ दिया, वहाँ पढ़ने लगी, और वहीं से ईश्वर ने मुझे डॉक्टर हरी फैजाबादी जी, इनके परिवार अंजू जी से जोड़ दिया, उनकी धर्म पत्नी, जिनके आशीर्वाद लिए बिना मुझे लगता है कि मेरी किताबें शायद नहीं आ पाती, और उनका आशीर्वाद मेरे पे बना हुआ है, और एक परिवार मुझे मिला, और डॉक्टर हरी फैजाबादी जी ने गज़ल कुंभ में मुझे सागर जी से जोड़ दिया। तो ये धारा जैसे नदी बहती जाती है और रास्ते में सब गांव मिलते जाते हैं, मैं इसी तरह इन सब से मिली हूँ और आपसे भी मिली हूँ। मेरी एक जहनी इच्छा है कि खाली मैं इसलिए ना लिखूं कि मुझे लिखना है, खाली मैं इसलिए ना लिखूं कि मुझे प्रसिद्ध होना है, मैं इसलिए भी ना लिखूं कि कल मेरे जाने के बाद मेरा नाम रहे। मैं सिर्फ इसलिए लिखना चाहती हूँ कि अदब का नाम है। 15 तारीख से कुंभ का मेला शुरू हो रहा है, बहुत और बहुत छोटी बहन में एक शेर है, लेकिन आपको बहुत पसंद है, उनकी मोहब्बत है कि कुंभ नहाकर पुण्य कमाने, कुंभ नहाकर, कुंभ नहाकर पुण्य कमाने, बड़ी भीड़ देखी टिकट गई, कुंभ नहाकर पुण्य कमाने, बैठी गई, बड़ी भीड़ देखी टिकट गई थी। तो ये शेर इनको पसंद है, कुछ शेर सुन लीजिए। और मतलब है कि कुछ करो, कुछ बचा ही रहता है। जीवन भर हम लोग किया करते हैं, लेकिन कोई ना कोई काम बच ही जाता है। कुछ करो, कुछ बचा भी रहता है, बोझ सर का बना ही रहता है। कुछ करो, कुछ बचा ही रहता है, बोझ सर का बना ही रहता है। कोई कितना बड़ा हो पर उससे मगर आशीर्वाद सर आपसे भी, जो भी बड़े हैं सबका आशीर्वाद चाहूंगा कि कोई कितना बड़ा हो पर उससे इस समारोह के विशेष अतिथि लखनऊ से पधारे डॉक्टर हरी फैजाबादी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती अंजू श्रीवास्तव, अध्यक्ष श्री अमरनाथ धमीजा जी, आयोजक श्री मनोहर विजय एवं संयोजक श्री सागर सियालकोटी जी थे। किताब का विमोचन चेयरमैन वाइली मेमोरियल स्कूल श्री पिल्लई, मैडम
गुरचरण कौर कोचर और हरी फैजाबादी श्री अमरनाथ धमीजा जी के कर कमलों के द्वारा किया गया। इस समारोह में श्री पिल्लई मैडम गुरचरण कौर कोचर, डॉक्टर हरी फैजाबादी और शुचि भवी को शॉल के द्वारा सम्मानित किया गया। सत्र में आयोजित नशिस्त में 50 से अधिक शायरों ने शिरकत की, जिनमें श्री धमीजा, श्री तरसेम नूर, श्रीमती कोचर, डॉक्टर फैजाबादी, श्री सागर सियालकोटी, मनोहर विजय, श्रीमती शुचि भवी, श्री राजेंद्र राजन, श्री वरुण आनंद, श्रीमती छाया शर्मा, ज्योति इरा, बेनु सतीश कांत, नीलू बग्गा लुधियानवी, फलक एकता, श्रद्धा साधना, सीमा भाटिया, श्री चाना, संधु, सुखविंदर, अनहद, आशु गर्ग, श्री जी एस गोगिया, संजीव शर्मा और कई शायरों की उम्दा शायरी ने समा बांध दिया था। वॉइस ऑफ एशियंस ब्यूरो रिपोर्ट, लुधियाना।